दोस्तों गोदी मीडिया पर दिन रात चलने वाली हिंदू मुस्लिम डिबेट ने ना कि समाज में नफरत फैलाई है, उसने पत्रकारिता को भी इतना गंदा और भद्दा बना दिया है कि सिर्फ उसी एंगल से मुसलमानों को विलन बनाते हुए वो अपनी खबरों को प्रकाशित करते हैं। और जब मुसलमान को विलन बनाया जाता है तो एक तबके में मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत इस कदर बढ़ दी जाती है कि कोई भी दाढ़ी टोपी देख करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और किस तरीके से अभी हाल ही में मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, ये तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं है और उस पर सोने पे सुहागा काम ये कर दिया गया है कि दिन रात चलने वाली डिबेट ने कुछ युवाओं को इस तरीके से मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर बल दिया कि वो नू मेवात हिंसा में भी अगर जाते हैं तो सीधा माइक मुंह में घुसेड़ करके किसी टोपी वाले से पूछेंगे कि साहब बताइए कि ज्यादा मेहनत 31 तारीख को हो गई थी क्या, और इसके बाद भी अगर चैन नहीं मिलता तो किसी लाल दाढ़ी वाले और टोपी वाले को पकड़ेंगे कि भाई साहब बताइए कि जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत। इस पर अगर अदालतों की वो दोहाई देने लगे तो कहते हैं कि आप पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और तो और ना जाने कितनी ऐसी फहरिस्त लंबी है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ चलाई जाती है, और दिन रात जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कोसने का काम किया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कराया जा सके। यह सिलसिला 2014 के बाद से गोदी मीडिया में शुरू होता है और 2014 के बाद से किस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर हमले शुरू होते हैं मॉब लिंचिंग के बहाने, कभी चोरी के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर, कभी किसी नाम पर मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और तो और जब इससे भी पेट नहीं भरता तो तिरंगा यात्राएं निकाल करके, कभी कोई यात्रा निकाल करके मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा जाता है और अचानक से कह दिया जाता है कि साहब पत्थरबाजी हो गई या वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और फिर जो नंगा नाच गोदी मीडिया के एंकरों का होता है वो खतरनाक होता जा रहा था। और आज CGI ने इसी गोदी मीडिया के चल रहे नंगे नाच पर अपना हंटर चलाने का काम किया है और गोदी मीडिया के लिए खासतौर पर नियम कानून तय करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जो कि दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही थी उस पर तो रोक लगेगी ही लगेगी, पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पर सवालों की बौछार हो रही थी, गोदी मीडिया अब इससे भी कतराता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहां साफ तौर पर सवाल CGI ने पूछा कि आप विपक्ष के लोगों के खिलाफ तो माहौल बनाते हैं, देश के मुसलमानों के खिलाफ तो माहौल बनाते हैं, आप जरा यह बताइए कि जहां BJP की सरकार है, जैसे कि अगर माना जाए कि मध्य प्रदेश में सरकार है, असम में सरकार है, मध्य प्रदेश में BJP के कितने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उस भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात क्यों नहीं करते, और कोई सरकारी एजेंसी ED, CBI, इनकम टैक्स ऑफिसर्स क्यों वहां रेड के लिए नहीं जाते। ये तमाम सवाल जो हैं आज CGI ने गोदी मीडिया के मुंह पर दे मारे हैं और कड़े शब्दों में गाइडलाइंस जो है तैयार की है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो TV चैनलों के स्वनियमन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, और अगर इस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी गोदी मीडिया के ऊपर लगेगा। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टेलीविजन चैनलों का स्वनियमन अप्रभावी साबित हो रहा है, जो समाज में एक गलत मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है,
और अदालत टीवी चैनलों के विनियम को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं बनाया जाता तब तक टीवी चैनलों पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। जब आप दिशा निर्देश का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में बनाया जाएगा, उसका पालन करेंगे तब तक ठीक ठाक चलता रहेगा। जैसे ही आप इस नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको जुर्माने से भी कोई नहीं बचा पाएगा। पहले कई बार जो है सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गोदी मीडिया के चैनलों को, एंकरों को मिलती रही है, पर कहीं कोई जुर्माना लगा दिया जाता है, उस जुर्माने का भुगतान करके गोदी मीडिया भी वो हार्ड मास की तरह हो चुकी है, जिस पर कार्रवाई तो हुई, उस कार्रवाई के बाद कोई कदम उठा लिया गया तो जुर्माना भर दिया गया, फिर वही नीति अपनाते हुए इसके एंकर दिखाई देते हैं। पर अब ये करना भी गोदी मीडिया को भारी पड़ेगा। जहां सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल आत्मसंयम बरतते हैं, मैं नहीं जानता कि अदालत में कितने लोग आपकी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमने तो जब भी डिबेट देखी है उसमें आत्मसंयम बरतने जैसी कोई तस्वीर तो सामने नहीं होती। आप जांच शुरू कर दीजिए, आपसे सहमत होंगे, हर कोई पागल हो चुका है, क्या ये हत्या है लोकतंत्र की, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता की साफ तौर पर गोदी मीडिया हत्या कर रहा है। आप जांच शुरू कर दीजिए, आप कितना जुर्माना लगा सकते हैं, 1,00,000 रुपए, एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है, टीवी चैनल पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उल्लंघन के लिए अगर 1,00,000 रुपए का जुर्माना होता है तो उन्हें कौन रोकता है। पीठ ने तब कहा कि वे ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव कर रही है। कोई कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम ढांचे को मजबूत करेंगे, हमने अप किलिंग और डाउन लिंग दिशा निर्देश देखे हैं जिसमें हम बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करेंगे, लेकिन अब ये नियमों को मजबूत भी करेगा। जहां पीठ ने अपने आदेश में आगे कहा कि इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या स्वनियमित तंत्र तैयार करने के लिए उठाए गए कदमों को ढांचे के संबंध में मजबूत करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातर को टीवी चैनलों के स्वनियमन पर जस्टिस एके सिकरी और आरवी रविंद्रन में सुझाव मांगने का भी निर्देश जारी किया है। पीठ ने निर्देश दिया कि श्री दातर जस्टिस सिकरी और रविंद्रन से सुझाव मांगेंगे ताकि इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। केंद्र को इसका जवाब दाखिल करना ही होगा। जहां अब पहले बचा लिया जाता था, अब कोई भी गोदी मीडिया का एंकर अगर नफरत फैलाता है या झूठ फैलाता है, किसी समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है, तो वो अब बचने वाला नहीं है। दातर ने कहा कि टीवी चैनलों को स्वनियम होना होगा और इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने कहा कि निवारक प्रभाव भी होना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा 1,00,000 रुपए का जुर्माना कब तैयार किया गया था। 2008 दातर ने उत्तर दिया, वहां 3 स्तरीय प्रणाली है, अन्य चैनलों के प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संघ भी हैं, हम उन्हें भी रिकॉर्ड पर रखेंगे। अधिवक्ता अमित पाई ने स्वामित्व चैनल के बारे में ये तमाम बातें जो हैं वो सामने रखी। पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा हंटर जो है एक संकेत है गोदी मीडिया के उन दंगाई पत्रकारों के लिए जो दिन रात सिर्फ हेट्रेट फैलाते हुए दिखाई देते हैं, और इस कदम ने गोदी मीडिया की पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रखती है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत।